एंड्रयू साइमन, शेन वॉन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दो दिग्गज, दोनों के गुजरने से पूरे क्रिकेट जगत को धक्का लगा है। 4 मार्च को थाईलैंड में वॉन की मौत हुई और 15 मई को एंड्रयू साइमन्स ने ये दुनिया छोड़ दी। साइमन्स की क्वींसलैंड में एक कार हादसे में मौत हुई। कुछ महीनों के अंतराल में दो दिग्गज दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी यारी के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। साइमन्स ने वॉन के गुजरने के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि रिटायरमेंट के बाद भी वॉनी अपनी यारी निभाते थे। उन्होंने साइमन्स को कोचिंग जॉब ऑफर की थी। वॉन के गुजरने के बाद फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए साइमन्स ने कहा था, मैंने वॉन के साथ लगभग 3 साल कमेंट्री की है और उन्होंने अपनी मौत से 10 दिन पहले मुझे फोन किया था। तब मैं घर पर था और मछली पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उन्होंने मुझसे लंदन स्पिरिट के लिए कोचिंग करने की बात की थी। वॉन ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए वो नौकरी सुनिश्चित करवा दी है। मैं उनके साथ कोचिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड था। मैं देखना चाहता था कि वो कैसे कोचिंग करते हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता। साइमन्स ने यह भी बताया कि कैसे साल दर साल वॉन ने उनकी मदद की थी। साइमन्स ने कहा था, मैं कई बार मुश्किल स्थितियों से गुजरा हूँ। मैं वॉन को फोन करता था, अगर वो फोन नहीं ले पाते तो वो कॉल बैक जरूर करते थे। वो मेरे लिए एक शांति का एक जरिया थे। जब भी मैं मेलबर्न में होता था तब उनके घर जाता था और उनके साथ वक्त बिताता था। वॉन ने मुझसे कहा था कि मुझे क्रिकेट की अच्छी समझ है और क्या मैं कोचिंग करना चाहूंगा। मेरी कोचिंग की बातचीत वहां से शुरू हुई थी, लेकिन अफसोस अब मैं इसकी शुरुआत वॉन के साथ नहीं कर पाऊंगा। साइमन्स मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वॉन के लिए रखी गई मेमोरियल सर्विस का भी हिस्सा बने थे। साइमन्स ने उस वक्त इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था। उन्होंने लिखा, इस खबर से मैं तबाह हो गया हूँ, काश ये सिर्फ एक खराब सपना हो। मैं अब भी नहीं मान पा रहा हूँ कि वॉन को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। वॉन के परिवार को मेरा प्यार। वॉन और साइमन्स के जाने के बाद अब लंदन स्पिरिट की कोचिंग ट्रेवर बेलिस संभाल रहे हैं। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप।